हाय टूबा, आपने किसको वोट दिया था और आपको क्या लगता है कि दिस टाइम वाज इलेक्शन वाज फेयर और नॉट? वेल, इलेक्शंस फेयर कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन फेयर, नहीं इलेक्शंस तो फेयर, वोटिंग भी मेरे ख्याल में बहुत ही सपने दिल से किया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। आपको लगता है कौन जीतना चाहिए था या आपका फेवरेट कौन था? अच्छा, ये इतना पर्सनल है कि ये मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने okay. वोट किसको दिया है और जीतना किसको चाहिए था, पर आई थिंक कि आवाम जिसको भी सेलेक्ट करती है, जिसका भी राइटफुली हक है, उसको वो मिलना चाहिए। अगर आपको दिन का वजीर आजम बना दिया जाता तो आप क्या चीज लाती, तीन चीजें क्या चेंज करती? अगर मुझे वजीर आजम, ओह माय गॉड, मैंने कभी इतना सोचा नहीं इस बारे में। सोचिए, अगर मुझे वजीर आजम बना दिया जाता तो मैं सबसे पहले अगर किसी चीज पे काम करती तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती। मेरे ख्याल में कराची में स्पेशली, कराची से ज्यादा अंदरूनी सिंध में, इंटीरियर सिंध में मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है कि प्रॉपर हॉस्पिटल्स बनाने के ऊपर मैं ज़रूर काम करती। एजुकेशन सेक्टर में मेरा ज़रूर होता कि हर हर बच्चे को, हर किसी को एजुकेशन ज़रूर मिले। सो यस, सेकंड थिंग वर्क ऑन, हाँ द सेकंड थिंग एजुकेशन हो गई, डेवलपमेंट हो गई ऑफ कोर्स, और हेल्थ आई थिंक हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड सबके लिए इलाज, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी इलाज। मेरा वोट आपके लिए। थैंक्स, एक वोटर तो मिल ही गया। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।